दोस्तों मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एज अ सेकंड प्रोडक्ट सिक्ट्रोन कंपनी अपनी एक माइक्रो एसयूवी को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है, जिसका मुकाबला इंडिया में टाटा पंच से होगा। तो अब इसके फिलहाल अगर न्यूज़ की बात करें तो देखिए ऐसा अपडेट सामने आया है कि इसके इंडिया में लॉन्च होने से पहले इसे साउथ अमेरिका में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जहां पर इसके फ्रंट, रियर और इसके इंटीरियर लुक्स को कम्प्लीटली से अनवील कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे आज की इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो इसकी साउथ ऑफ अमेरिका में ऑफिशियल अनवीलिंग की गई है ना, उसके दौरान सिट्रोन कंपनी ने क्लियरली एक बात स्टेटमेंट में कही है कि उन्होंने अपनी सिट्रोन C3 को एक SUV ना बोलकर इसे एक हैचबैक रेफर किया है, बिकॉज उनका मानना है कि ये काफ़ी हद तक एक SUV से इंस्पायर्ड है, ना कि एक प्रॉपर SUV है, क्योंकि इसमें आपको हाई स्टांस, बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स और लार्ज फोक्स स्किड प्लेट यहाँ पर देखने को फ्रंट में और रियर में देखने को मिल जाती है, जो कि इसे एक SUV की तरह अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। तो इसे आप टाटा कंपनी की तरह, जैसे टाटा कंपनी अपनी पंच को माइक्रो SUV या फिर माइक्रो SUV कह सकते हो, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन क्लियरली सिट्रोन कंपनी तो इसे एक हैचबैक कह रही है, जिसमें कि आपको काफ़ी हद तक SUV इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलेगा इसके फ्रंट में। तो इसके जो रियर लुक्स है वो काफ़ी हद तक आपको एकदम नए और यूनिक स्टाइल के देखने को मिलने वाले हैं, और रियर से तो काफ़ी हद तक देखने में आपको टाटा पंच की तरह ही देखने में लगने वाली है, और तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये टाटा पंच को कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि जो उसके फ्रंट और रियर डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। एज़ लाइक टाटा पंच वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जिसके अगर आपको इसको अगर ये टाटा ये जो सिट्रोन कंपनी इसको इंडिया में लॉन्च कर देती है ना, तो ये टाटा पंच को कड़ी टक्कर दे सकती है। और सबसे बड़ी बात आ जाती है इसके प्राइस को लेकर, अगर सिट्रोन कंपनी इसके प्राइस जो है ना वो ये लगा लीजिए अगर 5 लाख से अबव या फिर 5 लाख से 5 लाख ही अगर रख ले, तो काफ़ी हद तक ये टाटा पंच को टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसके लुक्स तो बेहतर है ही, और अगर इसकी प्राइसिंग को भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रख दिया जाए तो डेफिनेटली आपको इस सेगमेंट में ये तहलका मचा देगी। इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि सिट्रोन कंपनी से इसको जो 90% मैन्युफैक्चर करेगी वो इंडिया में ही करेगी, सो डेफिनेटली इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा जा सकता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें इसके इंटीरियर्स की, तो इसके एक्सटीरियर्स की तरह भी इसके इंटीरियर्स भी आपको एकदम यूनिक देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर इसमें आपको काफ़ी बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ इसमें आपको सिट्रोन के ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी यहाँ पर इसके इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। बस इसके अलावा अगर बात करें इसमें मिलने वाले इंजन ऑप्शन की, तो डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी बढ़िया इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाएगा। लाइक इसमें आपको एक ऐसा कहा जा रहा है कि जब इसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो इसमें आपको 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा सकता है, और ऐसा सिट्रोन कंपनी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो कोई भी डीजल यूनिट इंडिया में जल्दी से लॉन्च नहीं करने वाली। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी सिट्रोन कंपनी की नई गाड़ी लुक्स के मामले में, और क्या ये टाटा पंच को कड़ी टक्कर दे सकती है, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।